हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट, हर वो एक्सपीरियंस जो हम रोज करते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट बनाने के दौरान ट्राई करते हैं, वो आपके साथ शेयर करें वीडियो के माध्यम से। मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा है, वीडियो लास्ट तक देखिए। आज का टॉपिक ज्यादा पुराना भी नहीं है, बट उसकी जरूरत बार बार पड़ रही है, इसलिए जब तक ये आप अवेयर नहीं हो जाएंगे तब तक ये वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट आते रहते हैं। जब इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ये वीडियो आने भी बंद हो जाएंगे। आज का टॉपिक है नए बैट के ऊपर टेपिंग बेंडिंग कब करें। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जी, टेपिंग बेंडिंग फ्री, टेपिंग बेंडिंग फ्री, नॉकिंग फ्री, टेपिंग फ्री, बेंडिंग फ्री। भाई अगर देखो, जो बैट के ऊपर टेप लगती है ना, वो कोई बहुत लाखों रुपए की नहीं आती, बड़ी हाई एंड ट्रांसपेरेंट टेप होती है। वो अगर इस स्टेज पे लगनी होती और उसकी इतनी ज्यादा यूजेज या इतनी ज्यादा फायदा होता तो कंपनियां भी लगा के भेज सकती थी। लाख लाख रुपए के बैट बेचते हैं हम, तो उसमें 10-20-50 रुपए की अगर टेप भी लग जाती तो कंपनियां लगा के देती, पर नहीं लगा के देती। इसके पीछे रीजन है जो कि नहीं समझ लग रहा। एक बैंडिंग जो होती है वो 20 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं करती। अगर वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती कंपनियां करके देती। सही टाइम क्या है और कंपनियां क्यों नहीं करके देती? देखिए, जब भी बैट नया होता है उसको खुलने में टाइम लगता है। आप मशीन द्वारा, ये बैट भी मशीन द्वारा नॉकिंग करने वालों ने बेचा हुआ है, मशीन द्वारा जो नॉक करते हैं ना, ये बैट भी उसी की एक एग्जांपल है। बैट खुलने में टाइम लगता है। जब एक बैट नया होता है हम उसकी नॉकिंग करते हैं, जैसे जैसे हम उसके साथ पुरानी बॉल से खेलना शुरू करते हैं बैट का सरफेस फैलता है, ये एक्सपेंड होता है। ये सारी उम्र एक्सपेंड नहीं होता रहता, ये शुरू का कोई टाइम एक्सपेंड होता है और एक एक्सटेंट पे आके बंद हो जाता है, जिसको कि टाइम लगता है। मशीन द्वारा नॉकिंग करने से पूरा सरफेस एक्सपेंड नहीं हो जाता। आप गले से उतार के दे देते हो कि जी नॉकिंग भी कर दी, टेपिंग भी कर दी, बेंडिंग भी कर दी, ले जो बैट। बैट टूट गया, हमारे हाथ खड़े हैं, हम क्या करें? हमने तो आपके सामने करके दी थी नॉकिंग, हमने तो बैंड भी करके दिया था, हमने टेप भी करके दी थी। अब आपके बैट में ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस बैट के साथ क्या हुआ? मशीन द्वारा नॉकिंग होगी, टेपिंग होगी, बेंडिंग होगी, पर मशीन द्वारा नॉकिंग सफिशिएंट नहीं होती कि आप उसके साथ जाके मैच खेलने शुरू कर दें, क्योंकि उतनी को नॉकिंग से बैट का सरफेस एक्सपेंड नहीं हुआ हुआ होता, उसको एक टाइम लगता है। आपने बेंडिंग कर दी, आपने टेपिंग कर दी उसकी, अब सरफेस एक्सपेंड होना चाह रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही, तो वो जोर मार के कहीं ना कहीं से तो लकड़ी डैमेज करेगा जो उसने यहां से कर दी है। कभी देखा है बैट यहां से फट रहा है? वो इसलिए फट रहा है क्योंकि बैट का सरफेस एक्सपेंड होना चाह रहा है, पर मशीन द्वारा वालों ने इसको टेपिंग भी कर दी, अब उसको जगह नहीं मिल रही। तो सही टाइम की वेट कीजिए, मेरी बाजू टूटेगी इसलिए मैं पहले ही प्लस्तर करके घूम रहा हूं, इसका मतलब यह है। जब बैट को हुआ ही कुछ नहीं है तो बेंडिंग की क्या जरूरत? जब बैट को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है तो टेपिंग की क्या जरूरत? उसको खुलने दो, सांस लेने दो लकड़ी को। जब बैट प्रॉपर खुल जाएगा आपको हल्के हल्के क्रैक्स यहां पे दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर भी अगर बैट को कुछ नहीं हुआ तो कोई भी जरूरी नहीं है कि टेपिंग करनी करनी है। अगर आपकी कंडीशन गीली नहीं है तो आप टेपिंग भी होल्ड करके रख सकते हैं, जब जरूरत हो तब लगाइए। लकड़ी को सांस लेने दीजिए, खुलने दीजिए,
पहले ही उसको मरीज मत बना दीजिए। ये कोई आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बैट बेचने वालों की कि नॉकिंग के बाद बेंडिंग भी करनी है, टेपिंग भी करनी है। टेप साथ में दे दीजिए, सर्विस कार्ड बना दो, 4 महीने बाद बुला लो कस्टमर को कि भाई 4 महीने बाद आके करवा जाना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बड़े महंगे बैट हो गए, बहुत महंगे बैट हो गए। आप अवेयर होंगे तो ये ज्यादा चलेंगे। और मुझे सबसे ज्यादा गिला है रीसेलर्स के साथ, जो भी अगर ये कहता है कि इसकी नॉकिंग भी फुल हो गई है, मैंने टेपिंग भी कर दी है, बेंडिंग भी कर दी है, आप खरीदने वाले गारंटी मांगो फिर उससे कि भाई अब तो बैट को कुछ नहीं होगा, अब तो नहीं टूटेगा। अगर वो बंदा गारंटी देता है तो आप जैसे वो कहता है आप वैसे करा लीजिए। चीज आपकी है, आपने ध्यान रखना है। टेक्निकलिटी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आप अवेयर होंगे तो आपके पैसे बचेंगे, बाकी सबके पैसे बचेंगे। और एक गलत रिवाज जो चल पड़ा है वो शायद ठीक हो जाए, हम तो कोशिश करते रहेंगे। मेगा कॉन्टेस्ट, बहुत ही अच्छे जवाब आ रहे हैं। आपको एक सिंपल सा आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि आपको उस प्लेयर का नाम गैस करना है जिसने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। यू नीड टू गैस द नेम ऑफ प्लेयर हु टुक मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। 29 अक्टूबर तक आपको अपने जवाब देने हैं। सही जवाब के साथ अपना नाम और शहर जरूर लिखिए, क्योंकि कई बार आईडी नेम रेलिवेंट नहीं होता आपके नाम के साथ। तो जिस किसी की भी एंट्री बिना नाम और शहर के नाम की होगी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छे प्राइजेस, तीन तीन प्राइजेस दे रहे हैं इस बार हम। वीडियो दिवाली वाले दिन आएगा रिजल्ट के साथ। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो आगे से आगे भेजिए, क्लब्स में भेजिए, थोड़ा शुगल मेला लगा रहता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। आप क्वेरीज भेजते हैं, हम आंसर देते हैं, आप अवेयर होते हो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।